तो हाँ भाई, स्पेशल आप लोगों की डिमांड पे आ गया रिफर्बिश आईफोन 13, जो कि मैंने मंगाया कैशिफाई से। और ये जो है सुपर कंडीशन में है, क्योंकि जैसा कि मैंने एक्सआर वाली वीडियो में बताया था, मुझे लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए चाहिए, तो इसलिए जो सबसे बढ़िया कंडीशन थी सुपर, वही मैंने मंगाया। और उसके अलावा बहुत जल्दी जो है इसका गेमिंग रिव्यू भी देखने को मिलेगा। तो इसकी जो है कंडीशन, बैटरी हेल्थ, डिस्प्ले, कैमरा, थ्री टूल, सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आईफोन एक्सआर की तरह अब जो है नए डिजाइन वाला बॉक्स आने लग गया है। उसके अलावा ये जो है बबल रैप में रैप था, जो कि मैंने खोल के पहले चेक कर लिया था। तो यहाँ पे अगर बॉक्स पे डिटेल्स दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड जो है वो है सुपर, और ये जो वेरिएंट है वो है 4GB 128GB ब्लू कलर में, और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा वो है 39,400। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। हर बार की तरह सबसे ऊपर एक छोटा बॉक्स मिलता है जहाँ पे आपको फोन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये सुपर ग्रेड का है तो भाई यहाँ पे कंडीशन बहुत तगड़ी लग रही है फिलहाल, तो बाकी अभी डिटेल में चेक करेंगे। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। हर बार बोट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार चाइनीज सा चार्जर है। लेकिन यहाँ पे जो केबल है वो काफी मजबूत सी लग रही है देखने में। उसके अलावा यहाँ पे जो सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। तो इसको फोन को ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फोन ऑन हो चुका है, और भाई इसकी कंडीशन भाई कुछ ज्यादा तगड़ी लग रही है फिलहाल। तो इसको जो मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर चेक करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे भाई फोन सेटअप हो चुका है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी बैटरी हेल्थ। तो इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 100%, जो कि मुझे लग रही है बूस्टेड है। बाकी थ्री टूल से भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसकी डिस्प्ले। तो आईफोन 13 में जो है एक 6.1 इंच की फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले आती है, जो कि एचडीआर 10 सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे एचडीआर 10 चल रहा है बढ़िया। उसके अलावा इसमें चेक करें ट्रू टोन, तो वो भी वर्किंग है। यहाँ पे कलर शिफ्ट होता है ऑन ऑफ करने पे। और इसकी जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो है 800, जो कि आप आउटडोर में विजिबिलिटी देख सकते हैं जितनी होनी चाहिए उतनी है। और उसके अलावा मैंने इसमें गेम चला के देखा था, तो टच वगैरह बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे कोई शक नहीं है, यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले वो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो अगर बताऊँ इसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में, तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कवर के हल्के हल्के निशान देखने को मिलेंगे, जैसे कि नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट हल्का सा उड़ा हुआ है। उसके अलावा कहीं भी कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है इस पे। और यहाँ पे इसका बैक पैनल, फ्रेम और स्क्रीन के बीच में कहीं भी कोई अनइवन गैप वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। तो फिजिकल कंडीशन इसकी काफ़ी बढ़िया है। तो अब चेक करते हैं इसका कैमरा। तो इसमें जो तीन कैमरे आते हैं, दो बैक में और एक फ्रंट में, तीनों ही कैमरा से ये जो 4K 60fps की वीडियो बना पा रहा है। उसके अलावा HDR वीडियो का भी ऑप्शन है सेटिंग्स में, जो कि सही काम कर रहा है। और यहाँ पे आप वीडियो सैंपल देख सकते हैं 4K 30fps का। जो यहाँ पे कैमरा स्विच है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, जो कि आईफोन में होता ही है। उसके अलावा वीडियो में डायनेमिक रेंज वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ी आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं फ्रंट कैमरे का सैंपल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो कि भाई बिल्कुल नेचुरल फोटो खींचता है आईफोन हर बार की तरह। तो यहाँ पे कैमरे में कोई शक है नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है, कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई। तो अब चेक करते हैं इसकी बैटरी हेल्थ। जैसे कि फोन में दिखा रहा है 100%। तो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने थ्री टूल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ है वो है 85%, पर यहाँ पे जो फोन में दिखा रहा है वो है 100। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें नॉर्मल है, इसका मतलब फोन का कोई भी पार्ट वगैरह चेंज नहीं किया हुआ, सब कुछ ओरिजिनल है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर 85% बैटरी हेल्थ कितना बैटरी बैकअप देगी। तो साथ ही साथ उसको भी जो है टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग टास्क करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो है आधा घंटा गेमिंग करेंगे BGMI 60fps पे, और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी है। बैटरी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फुल चार्ज कर लिया 100%। तो यहाँ पे जो है आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें फुल एचडी एचडीआर वीडियो प्ले करेंगे यूट्यूब पर दोबारा आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर जो है एक घंटा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है 15 मिनट इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं।
तो इंस्टाग्राम के बाद अब यहाँ पे थोड़े बहुत बेंचमार्क रन कर लेते हैं, जैसे Geekbench 5 और N22। तो यहाँ पे इसका जो N22 स्कोर आप देख सकते हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा आया है और काफ़ी ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि 1.5 घंटे से लगातार हैवी टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने इसको चार्ज कर लिया था 100%। तो यहाँ पे जो है 1.5 घंटा कम्प्लीट हो गया और इसमें मैंने गेमिंग ही करी, HDR वीडियो प्ले करी और बेंचमार्क वगैरह भी प्ले करे, और इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 27% ड्रॉप हुई है, इसमें अभी 73% बैटरी बची है। तो इसका जो बैटरी बैकअप निकल के आया है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई 85% बैटरी हेल्थ है तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब तक आपके फ़ोन की बैटरी 80% तक है तब तक आपको बढ़िया बैकअप देखने को मिलेगा, अगर 80% से नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो है बैकअप ड्रॉप होने लग जाता है। तो अगर बात करें कंक्लूजन की, इस फ़ोन को कैशिफाई से ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो देखो अब तक मैंने जितने भी आईफोन परचेज करे हैं, 12 प्रो हो गया, 12 हो गया और आईफोन 11 को तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, सभी की कंडीशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी, कहीं भी कोई पार्ट वगैरह चेंज नहीं था और सभी अभी तक जो है बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। बस यहाँ पे जो है कुछ फ़ोनों में बैटरी बूस्टेड आती है, जो कि रैंडमली आपके पास बूस्टेड आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती, लेकिन यहाँ पे मैंने कई सारे डिवाइस परचेज करने के बाद एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर इसमें बैटरी बूस्टेड भी आती है तो भी वो 85% से ऊपर ही होती है, तो 85% बैटरी आराम से 1 साल तो चली जाती है, उसके बाद आपको बैटरी चेंज वगैरह करानी पड़ेगी। और आपको जो iPhone 13 की टेस्टिंग कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट में, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।